हमारे दिमाग में 2.5 पेटाबाइट जानकारी याद रखने की क्षमता है, जो लगभग 30 लाख घंटे की YouTube वीडियोस के बराबर है। दिमाग की इसी चौंका देने वाली क्षमता को प्रभावी ढंग से उपयोग कर हम आपको याद रखने के कुछ सुझाव देंगे, जो शोध पर आधारित हैं और न्यूरोसाइंटिस्ट और विशेषज्ञों द्वारा व्यापक रूप से स्वीकार किए जाते हैं। कुछ देर बाद दोहराना। अधिकतम याद रखने के लिए कम लेकिन बार बार पढ़ाई करें। न्यूरोवैज्ञानिकों ने साबित किया है कि हमारे दिमाग में सिनैप्स नामक लाखों करोड़ों जोड़ हैं, जो याद करने और समझने में मदद करते हैं। हमारे सोते वक्त ये जोड़ बढ़ते हैं, इसलिए पढ़ाई के बीच थोड़ा ब्रेक लेकर सोना असरदार होता है। आप एक हफ्ते के लिए पढ़ते वक्त 15 मिनट का ब्रेक लेने की कोशिश करें। नतीजे जानकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। अपनी शैली का पता लगाएं। इतिहास के शिक्षक को सुनते हुए राम कागज पर लकीरें खींचता रहता है और रिया गिरियां खाती रहती है। कुछ को किताबें पढ़ने की बजाय वीडियो देखकर सीखना पसंद है और कुछ को दोस्तों के साथ मिलकर पढ़ना, वहीं कुछ पुस्तकों के बीच शांत बैठकर पढ़ते हैं। हर कोई अलग है, आप भी अपनी शैली का पता लगाएं। रात की अच्छी नींद। नींद और सपने नई जानकारी को व्यवस्थित और संग्रहित करने के लिए महत्वपूर्ण है। हॉवर्ड के एक शोध से पता चला है कि जिन छात्रों ने रात को अच्छी नींद ली थी, उन्होंने रात को जाकर पढ़ाई करने वाले छात्रों के मुकाबले 35% बेहतर प्रदर्शन किया है। एकाग्रता। यदि आप अपने काम लटकाते हैं और मुश्किल काम जैसे गणित पढ़ने की बजाय आसान काम जैसे सोशल मीडिया देखने लगते हैं, तो खुद को ऐसी भटकन से बचाएं। ऐसा करने का एक तरीका ये है कि आप पढ़ते वक्त अपना मोबाइल बंद कर दें या लाइब्रेरी जैसी शांत जगह पर बैठकर पढ़ें। पोमोडोरो तकनीक। जब आप पूरी तरह से पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहें, तो 25 मिनट के लिए टाइमर सेट करें। टाइमर बजने पर 5 मिनट तक आराम करें। यदि आप जारी रखना चाहते हैं, तो टाइमर फिर से सेट करें। पढ़ाई के बीच ऐसे छोटे छोटे ब्रेक थकावट दूर करने के साथ साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। मुश्किल काम पहले। सबसे पहले कठिन कामों को करें। ज्यादातर लोगों की सबसे मजबूत इच्छा शक्ति सुबह होती है। एक बार जब आप कठिन काम पूर्ण कर लेंगे, तो दिन के बाकी हिस्से में बेहतर महसूस करेंगे और बाकी कार्य करने हेतु अधिक प्रेरित होंगे। कसरत, ध्यान और बातचीत। यह प्रमाणित हुआ है कि कुछ गतिविधियां हमारे मस्तिष्क की क्षमता बढ़ाती हैं। शारीरिक व्यायाम, नियमित ध्यान और अच्छी बातचीत ऐसी कुछ गतिविधियां हैं। ये हमारे मस्तिष्क में नए न्यूरॉन्स का निर्माण कर दिमागी क्षमता बढ़ाते हैं। स्थान परिवर्तन। रोचक दृश्यों से भरे समृद्ध वातावरण में सीखकर हम विषय की गहरी यादें बना सकते हैं। एक प्रयोग में छात्रों के दो समूहों को बेतरतीब शब्द याद करने को कहा गया। एक समूह ने इस दौरान अपनी कक्षा अधिक हवादार और रोशन कमरे से बदली। ऐसा करने वाले समूह ने 40% बेहतर प्रदर्शन दिखाते हुए दिए गए शब्दों को दोहराया। मजे को गंभीरता से लें। कोई भी कार्य हो, उसका अभ्यास करने का मजेदार तरीका ढूंढें। आधुनिक विज्ञान का मानना है कि सकारात्मक विचार सीखने में अहम भूमिका निभाते हैं। आप भी मजेदार तरीके से पढ़ाई कर बेहतर परिणाम स्वयं देखें। दोहराव का समय निर्धारित करें। लंबे समय तक याद रखने के लिए हमें पाठ को समय समय पर दोहराना होगा। तथ्यों और शब्दों को याद रखने का सबसे बेहतरीन उपाय है कि आप उन्हें शुरुआती अध्ययन के बाद पहली बार 1-2 दिन बाद, फिर 1 सप्ताह उपरांत और फिर 1 महीने बाद दोहराएं। 30% पढ़ें, 70% बोलें।
यदि आपके पास किसी कविता या भाषण को तैयार करने के लिए सिर्फ एक घंटा है, तो पहले 20 मिनट उसे पढ़ने और समझने में लगाएं और शेष 40 मिनट उसका अभ्यास करने में। यह अनुपात सबसे उत्तम परिणाम दिलाता है। आप चाहें तो अपने पास एक पानी का गिलास रखकर बीच बीच में पानी के घूंट पी सकते हैं। तत्काल आत्म परीक्षण। पढ़ाई के बाद विषय को एक छोटी प्रश्नोत्तरी या आत्म परीक्षा से समाप्त करें। इस परीक्षण के समय जो आपने सीखा है उसका चिंतन करना पाठ को 30% अधिक समय तक याद रखने में सहायक होता है। हमारे मस्तिष्क के लिए पढ़ने की तुलना में विषय पर चिंतन करना अधिक कठिन है, इसलिए आत्म परीक्षण का अतिरिक्त प्रयास हमारी स्मृति पर गहरी छाप छोड़ता है। जबरदस्ती ना करें, प्रेरणा भूख की तरह है। आप स्वयं को प्रेरित होने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, जैसे आप किसी को भूख बढ़ाने के लिए नहीं कह सकते। इसलिए अगर आपको किसी वक्त पढ़ने की भूख नहीं है तो चिंता ना करें, कुछ समय आराम करने के बाद पढ़ाई शुरू करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। स्प्राउट्स चैनल पर इस तरह की अन्य तकनीकों के बारे में बताया जाता है। अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए नीचे दिए कमेंट्स बॉक्स का उपयोग करें और हमें अपनी पसंदीदा तकनीक के बारे में बताएं।